मुख्यमंत्री विशेष आँचन अधीन जिला नवम श्रेणी अध्ययन कर मुठ 1775 छात्र छात्री आज डिमा हासाव जिलार हाफलंग पौरसभा बोर्ड खेलपथारत अनुषित एक अनुष्ठान 2024 बर्ष हाईस्कूल उत्तीर्ण हुआ 211 छात्र छात्री बीपीडीर जरिए कम्पिटर क्रय नगद धन प्रदान कर आनंदराम बरुआ पुरस्कार अधीन जिला मेट्रिक परीक्षा अवतीर्ण हर उपरी प्रज्ञान भारती प्रकल्प अधीन डॉक्टर बाणीकान्त काकुटी मेधा जिला 2024 बर्ष उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 75% अधिक नम्बर लाभ कर उत्तीर्ण हुआ मुठ 134 छात्र छात्रीक बटा हिसाब से स्कूटी प्रदान कर डिमा हासाव स्वायत्तशासित पहाड़ परिषद सीईएम देवुलाल गार्लोसा मंत्री नंदिता गार्लोसा हाफलंग छात्र छात्र मजद यह बटा वितरण अनुषान मुख्य अतिथि हिसाब से उपस्थित थके डिमा हासाव स्वायत्तशासित पहाड़ परिषद शिक्षा विभाग ईएम धनपायन थाउसेन डिमा हासाव जिलार जिला अधीक्षक सीमांत कुमार उपस्थित थके अनुषान उपस्थित थका मुख्य अतिथि देवलाल गार्लोसाय भाषण प्रसंग उपस्थित थका सको बटाप्रापक सम्बोधन कर भाषण क्यों राज्य जिलार छात्र छात्रीक पढ़ा शुनत मनोनिवेश आमार राज्य सरकार एक प्रचेषा हाथ लैसे गति के सूझ हेर डिमा हासाव जिलार सको छात्र छात्री भलदे पढ़ा शुना कर उत्तीर्ण हुआ उचित प्रति बसरे भल नम्बर लाभ आहान जाना तखे इफाले छात्र छात्र सुविधार्थे एने बटा आँचनी रूपायण कर मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा धन्यवाद ज्ञापन कर सीईएम देवलाले अनुष्ठान उपस्थित थका मंत्री नंदिता गार्लोसाय डिमा हासाव जिलार सको छात्र छात्री पढ़ा शुना अब्याहत राख परामर्श दिए और जिला नाम उज्जवल कर मेधा तालिकात निजर नाम उज्जवल कर परामर्श दिए जो स्टूडेंट्स को पढ़ाई करता है उनका लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी रखा गया एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी स्टार्टेड फ्रॉम 11th ऑफ दिसंबर एंड वी विल कंप्लीट इट ऑन 23rd ऑफ दिसंबर सो ये ऑल ओवर असम में हो रहा है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैज स्टार्टेड इट ऑन 11th ऑफ दिसंबर एंड आज हमारा डिस्ट्रिक्ट में ये डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम हो रहा है to all the successful students जो आप लोग ने रिजल्ट में कायम किया है this is the hard work of your success and इसके लिए दे रहा है today we have 3 awards only for the students हमारा तरफ से 3 अवार्ड जा रहा है from the government of Assam I will inform क्या award है किसके लिए देता है ये award and why you are benefited of this हम 3 अवार्ड के बारे में थोड़ा बताएंगे फर्स्ट अवार्ड आई बी मेंशनिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस अरुणराम बरुआ दैट इज अभी अभी जो हमारा पहला में डीसी ने बताया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन बेनिफिटेड आउट ऑफ इट अच्छा लगा अनन्नुराम बरुआ जी का अवार्ड दिया है और दूसरा दूसरा स्कीम भी लॉन्चिंग हुआ है इसलिए मैं डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जी आसाम सरकार का चीफ मिनिस्टर को मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि स्टूडेंट लोग उनको 12,000 स्कूटी इसके बाद में बाईसाइकिल ये सब सारा स्कीम मिला है और स्टूडेंट लोग बहुत इसमें खुशी हुआ है हम भी खुशी हुआ है और स्पेशली और भी खुशी हुआ है सुपर 30 से भी एक APEC में एक नौकरी मिला है APEC के अंदर में असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर में और दूसरा APEC में भी टोटल डिमा हासाव से 7 मिला है तो उन लोग को भी मैं बहुत मेरा तरफ से कंग्रेचुलेशन देता हूं और डिमा हासाव अभी आगे बढ़ रहा है राकेश पाल जब एरेस्ट होने का बाद में सबसे लाभ मिलने वाला डिमा हासाव से ही मिला है हम लोग APEC का अंडर में राकेश पाल एरेस्ट होने का बाद में पैसा देने नहीं लगा मेरिट बेसिस में मिला तो डिमा हासाव का बच्चा लोग स्टूडेंट लोग अच्छा है तो इसीलिए 80+ हम लोग मिला है डिमा हासाव से तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है भारत सरकार में असम सरकार में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जी BJP गवर्नमेंट का जो काम का अचीवमेंट अभी देखने मिला है दूसरा लोग बहुत लोग बोल सकता है अनाप शनाप गाली देता है लेकिन ये रिजल्ट आप लोग का हाथ में है आप लोग देख सकता है वही थैंक यू आज में टोटल बाईस साइकिल थोड़ा ज़्यादा है
और स्कूटी 200 कुछ एग्जैक्टली नंबर हम देखने पड़ेगा एग्जैक्टली लेकिन ज़्यादा है डिमा हासाओ में। हाँ तो ऐसे में आप आने वाला दिन में डिमा हासाओ से भी स्कॉलरशिप देता है, आसाम गवर्नमेंट से भी देता है, भारत सरकार से भी देता है। तो स्टूडेंट लोग उनका सिर्फ अभी पढ़ना है, नौकरी अच्छा अच्छा लेना है। स्पोर्ट्स के लिए भी हम लोग ग्राउंड बना रहा है और हर चीज़ का प्लेटफॉर्म हम लोग दे रहा है, अभी जगह दे रहा है स्टूडेंट लोगों का। तो इसलिए स्टूडेंट लोगों को हम बार बार रिक्वेस्ट करता है, आप लोग पढ़िए, अच्छा इंसान बनिए, अभी मौका इसको नहीं गंवाना है डिमा हासाओ में, आसाम में। और ये सब को स्टूडेंट लोगों को अच्छा बनाने में सक्सेस हो रहा है और ये सब को दिखने नहीं सकने वाला बाहर का देश का लोग डिमा हासाओ में हो, आसाम में हो, ड्रग्स गंजा नशा शीस कराने के लिए यूथ लोगों को बर्बाद करने के लिए कोशिश करता है। इसमें हम लोग सब लोग अलर्ट रहना है और इसके लिए चीफ मिनिस्टर भी काम कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर भी कर रहा है, हम लोग भी काम कर रहे हैं, हम लोग भी फाइट कर रहे हैं। इसमें आप लोग सबका मदद चाहिए हम लोगों को। इसलिए अभी ड्रग्स खाना गंजा लेना वो सब सब छोड़ के हम लोग पढ़ना है, सीखना है, यूथ स्पोर्ट्स खेलना है और हम लोग अच्छा अच्छा नौकरी लेना है। थैंक यू। हम लोग 3 अवार्ड दिया है, एक अरुण दराम बरुआ का, एक बनी कंका काकती अवार्ड और एक बाईसाइकिल का। तीनों का डिफरेंट डिफरेंट का है। एक तो हो गया है हमारा गवर्नमेंट स्कूल्स जो क्लास 9 का पास है उन लोगों को बाईसाइकिल दिया है, और एक है 12,500 जो लैपटॉप खरीदने के लिए है, और एक है हमारा स्कूटी। तो ये सब स्टूडेंट्स लोगों का एनकरेजमेंट के लिए गवर्नमेंट के तरफ से दिया है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हम लोगों का ये प्रोग्राम ऑल ओवर असम फ्रॉम 11th ऑफ दिसंबर स्टार्ट किया है, ये कंटिन्यूएशन हो रहा है पूरा ऑल ओवर असम में। आज ये प्रोग्राम देख के बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट में इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स लोगों है जो आज उन लोगों का अपॉर्चुनिटी मिला कि उन लोगों जो सक्सेस किया है वो सक्सेस के आस में उन लोगों को फल मिला। तो पेरेंट्स लोगों पर बहुत खुशी है, ये सब वी आर थैंकफुल। उन लोगों का हिसाब से वी आर थैंकफुल टू द स्टूडेंट्स ऑल्सो कि उन लोगों ने बहुत अच्छा से रिजल्ट किया है, डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है, और कहीं ना कहीं उन लोगों ने इंस्पिरेशन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन होगा। थैंक यू सो मच। बाईसाइकिल के हम एक 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 बार देख लेता है बाईसाइकिल का हमारा हमारा आज का बाईसाइकिल बेनिफिशियरी से 1,756 अरुंधराम बरुआ का है 211 और स्कूटी के है 134। सो ये सब आज का प्रोग्राम है, फिर कल में भी अलग से प्रोग्राम है, कल फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का होगा। तो डिप्टी कमिश्नर को हमारा गवर्नमेंट का तरफ से जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसी तरह से वो लोगों करके गया है, कल भी एक्सपेक्टेशन विद द अदर नंबर्स को भी हो सकता है। थैंक यू। हाफलॉन्ग और परा प्रशांत भट्टाचार्यर रिपोर्ट, असम नॉर्थ ईस्ट न्यूज लाइव। খবৰৰ আৰৰ খবৰ, ব্ৰেকিংৰ হুলস্থুলৰ মাজত ৰৈ যোৱা সমাজৰ নেতিবাচক বহু খবৰ, ৰাজনীতিৰ পৰা সমাজনীতিলৈ, খেল জগতৰ পৰা কৃষি খণ্ডলৈ, ছবি জগতৰ পৰা সাহিত্য চৰ্চালৈ, বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ সাতভনী সামৰি অসমৰ সংবাদ জগতত নতুন সংযোজন অসম নৰ্থ ইষ্ট নিউজ লাইভ 24x7।